shahid path. Yeah, you can go in Salmiya because Salmiya is the best. कैसे थे ये मैं टोटल में ओके किस तरह से अपनी सल्तनत को डेवलपमेंट किया किस तरह से ये लोग इट्स अ फाउंडिंग क्वेट हैज बीन द वेलकम छोटे छोटे स्पीकर लग रहे हैं माय गॉड स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में मैं हूँ इस टाइम फरमानिया स्ट्रीट में जो क्वेट में है काफ़ी रश भरा एक प्रोविज़न है यहाँ का लेके जा रहा हूँ अल शाहिद पार्क है जो कि एक हरियाली से भरा हुआ पार्क है जो कि अरबिक कंट्री में सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल और बिगेस्ट पार्क है सो लेट्स गो जहाँ भी आप नज़र डालोगे ना गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ मिलेगी आपको लैम्बो फरारी जो मैं जो दुनिया में आपने देखी नहीं होगी ना वो यहाँ मिलेगी आपको ओके तो लेट्स गो Want to make vlogs, so that's why. No. It's okay. You continue. Yes, okay. What's your name? Babar Shahzad. I'm from Pakistan. Pakistan. Nice to meet you, brother. Thank you so much. You too. जैसे ना अल शाहिद पार्क जो है ना गल्फ का सबसे बड़ा पार्क है और ग्रीन आधारभूत संरचना इतनी हिंदी बोल दी मैंने तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे साथ में एक म्यूजियम भी है ठीक है थोड़ा सा कल्चर देखेंगे वहाँ का कैसा कल्चर है थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको दिखाऊँगा कि गल्फ का कल्चर गल्फ का साथ में इंक्लूडिंग कुवैत का कल्चर कैसा था पहले कैसे यहाँ पे क्या थे किस तरह से क्या हिस्ट्रिकल होगा थोड़ा बहुत जो भी म्यूजियम में दिखेगा मैं आपको एक एक चीज़ को डिफाइन करने की कोशिश करूँगा Yeah, you can go airport, you can go in another way, means like this one is Khaitan. Yeah, okay, and later now for Kuwait City. Yeah, so where we go? Where we go? 50 ring road. 15 ring road? Yeah, 50. 50, only 50 road? Yeah, 50. Okay. So, chalte hain bhai, 50 road ki side. Kuch is tarah se hai nazara. Electricity and roads. Electricity also. Gas, oil. Everything. I'm from 20 years here now. You seriously? Yeah. Oh my god. I'm 2003 I was came here. So I've never ever seen one day. Yeah. Like electricity is not available here. Every time. Yeah, 24 hours. Asian country, they decided coming to the for the job, searching the job. Everyone. Everywhere. Yeah. Actually, here, I think it is 65% they are foreigners. Yeah. Okay, and 35% Kuwaitis only. Okay. 35 or 65 per ratio, समझ रहे हो? I think maybe most of population from India. Yeah, India and Egypt. Egypt. Second number Egypt. Egypt. Yeah. Oh my God. अपने भारतीयों ने यहाँ पर दबदबा मचाते हुए मंडो आगे हम कोई चिटी साइड लॉट्स ऑफ कार दिस इज ईच हाउस 8 or 9 कार्स आई थिंक सो रियल या माय गॉड एंड ऑन द राइट साइड दिस वन इज पराडो या No, Land Cruiser. Yeah. Even you have a good earning here, okay, on your documents, okay, if you are type like, means a 1000 KD salary, okay, you can buy any car like Land Cruiser, Prado or anything, even Lexus, anyone. Because everyone, you can see that car, okay, is it installed. Installment. Yeah, also. Installment. Nobody buy cash. Okay. See Range Rover. Range Rover. Now, latest model. I know. I seen that.
This is a little go from there, but for your vlog I came from here. I know. There is a twin tower. Yeah. Okay, the most towers. Yeah. Not get. Thank you so much, boss. So much, brother. Nice to meet you. Yeah. Okay. Thank you so much. तो गेड़ी मेरा लग चुका है, अब यहाँ से जाना है मुझे। एक बार देता हूँ, देख रहे हो न्यूली सिटी। आज फॉग है भाई, बहुत तगड़ा फॉग है। शायद मैं मोमेंट को कैप्चर कर सकता हूँ। हो गया। देख रहे हो लॉट्स ऑफ लार्ज बिल्डिंग, ये देखो। सो हम लोग पहुँच गए हैं, एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसमें पहुँच गया, एंट्री करता हूँ, मैं देखता हूँ क्या सीन है, ठीक है। उसके इंक्लूडिंग मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच भाई। तो अब हम लोग जा रहे हैं, पहले म्यूजियम देखते हैं। सो भाई बोल रहे हैं कि दोनों ही जो फेस वन ये जैसे फेस वन फेस टू इज ऑल्सो टू बोथ ऑफ अस टू ब्यूटीफुल, ठीक है। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं। This is the stage. जब यहाँ पे कोई कुवैत का कल्चर इवेंट होता है ना, तो ये स्टेज है और यहाँ पे ये लोग बैठते हैं। फैसिलिटी वगैरह देखोगे आपने, इनका हिस्ट्रिकल देखोगे ना, बहुत ही सुपर है। एक बार शेख अब्दुल्ला बिन शाइब, ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग हुआ था इनका। ओके, ये वेट ऑफ कंपनी वॉल प्रोटेक्ट हुआ था। फिर उसके बाद ये है अबीन, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्टअप हुआ। ओके, कब था? 2770 83। देखो जो ये ब्रिटेन आ गए, ये साला अंग्रेज इधर भी आ गए, ठीक है। और ये फर्स्ट स्कूल था, क्लास ऑफ बॉयज़ एट अल मुबारका स्कूल, फर्स्ट जो था 1986। और फिर इसके बाद इन्होंने यहाँ पे जो फर्स्ट झंडा था 1961 में हुआ था। दैट्स इट, द फ्लैग ऑफ द ग्रेट अरबिक रिवोल्ट। ओके, फिर इसके बाद ये कुछ बैटल ऑफ अलजारा, बैटल ऑफ रॉक अलजारा, नेशनल फ्लैग। भाई साहब हिस्ट्रिकल इवेंट, द फाउंडर ऑफ कुवैत वी आर द ट्रेंड ऑफ द मेंशन ऑफ द नाज़ी स्टार्ट द पीसफुल विद द होम आफ्टर द सेंचुरी लोकेशन ऑफ द ट्रेंड। ये हमारे साहब राजा जी यहाँ के। थैंक यू सो मच सर, आपने इस कायनात को इतना अच्छा समझाया। इन्होंने डिस्प्ले किया, बैटल हैं जितने भी, इन्होंने ये बैटल हुआ ना, फाउंडर हुआ, पीस ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, सब कुछ है इसमें, ठीक है। 2/7/1783 स्टार्टिंग था यहाँ था बैटल, बैटल ऑफ ये जो बैटल हुई थी ये है। ये देखो ये यहाँ पे दिखाया हुआ है। एक बार बैठ जाते, वो बैठने का भी यहाँ पे बंदोबस्त करा हुआ है, ठीक। बैठ जाते हैं, ऊपर देखते हैं। ओ माय गॉड, यहाँ से ही दिखा रखा है, ये देखो। मैं कोशिश करता हूँ, इतना कुछ लिखा हुआ है इन्होंने अपनी, किस तरह से अपनी सल्तनत को डेवलपमेंट किया, किस तरह से ये लोग यहाँ पहुँचे। भाई इनकी हिस्ट्रिकल बहुत ही अच्छी है। Since its a founding, Kuwait has been the welcome immigrants and refused the Azbar, refused the there the custom and the creating and pelted the culture. The newcomer found the torrent of society came to invite to ideas where the thinking. My God, ये define measure, ठीक है, measure पे कुछ शायद है English, ठीक है, Kuwait, ठीक है, मैंने इसको किया।
ये वैध का मैप है, शायद आपको दिख रहा होगा, ये देखो विद 3D डिस्प्ले। आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंग्लिश किया, यहाँ पर स्क्रीन पे टच करना है, ये आपको इंग्लिश के ये सारी चीज़ पे टच दिखाएंगे। हम लोग म्यूजियम से बाहर निकल रहे हैं और एक टनल टाइप की, ये देख रहे हो नजारा, फील द साउंड। सेट एक कॉफी और एक बुक, इन लोगों ने मुझे ऑफर किए, और ये अच्छा पार्क। ओके, तो इसमें टोटल कल्चर दे रखा है, मैं एक फिर भी देखता हूँ। और मुझे कुछ इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए, उसके बारे में मुझे पता नहीं चल रहा, बट मैंने लाइफ में ऐसी कॉफ़ी नहीं पी, सीरियस बताया। यहाँ के कुवैत की थी, मैम थी वो, तो उन्होंने पूछा आर यू यूट्यूबर, मैंने कहा या, तो उन्होंने पूछा कि ठीक है यूट्यूबर हो, कितना टाइम हुआ, कितने सब्सक्राइबर हैं, मैंने कहा मैम अभी अभी स्टार्टअप किया है और स्ट्रगल की लाइन में मैं भी खड़ा हूँ। तो कहती है, एक उसने पूछा कि वेर यू फ्रॉम, मैंने कहा इंडिया, कह रही है ओके दैट्स गुड। उन्होंने फिर मुझे कॉफ़ी ऑफर किया, भाई मैंने आज पहली बार किसी कुवैती से बात किया, तो वो लोग बहुत सही है यार सही है, मेरे को तो 2 सब्सक्राइबर मिल गए यप्पी। तो भाई मैं सही बोलूँ ना, देखो आप बाहर निकलोगे ना घर से तो आपको पता चलेगा कि हाँ दुनिया कैसी है, ठीक है। घर में रहकर तो भाई बात यह है कि माँ के पल्लू में रहोगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है, जख्म भी लगे हैं तो पता नहीं चलेगा क्या है क्या नहीं, क्या ज़िंदगी। बाहर आओगे, बाहर जाके आपको पता चलेगा कि कल्चर कैसा होता है, ठीक है, किस तरह से लाइफ सर्वाइव की जाती है, किस तरह से लोगों से बातें की जाती है, बाहर जाके ही पता चलता है। तो ये म्यूज़ियम था, तो ये टनल, फिर मस्त चीज़, मुझे बहुत मस्त चीज़ जो लगी ना यहाँ पर, अब कभी भी विज़िट करना, ठीक है, विज़िट करना और यहाँ पे देखना, यहाँ का कल्चर एक नंबर, फूड एक नंबर, यहाँ के लोग उससे भी एक नंबर, ठीक है। ऊपर देखो, आपको दिख रहा होगा सालमिया, ठीक है, ये सालमिया के लिए ऊपर हाईवे है, नेशनल हाईवे, ठीक है। देखो एक टनल और आ गई है, क्योंकि ऊपर हाईवे है नीचे पार्क है, ठीक है। एक बार ये नज़ारा देख लेते हैं, ये देखो यहाँ से ऊपर देख रहे हो, हल्की हल्की सी धूप निकल रही है, हल्की हल्की सी धूप निकल रही है। देखो यहाँ पे कैफ़े है, ठीक है, ये रिसोर्ट ग्रीन पार्क, मैं इसे लगाया यार पार्क है। अगर आप इसको देखोगे ना गौर से तो आपको ऐसा लगेगा कोई प्राइवेट सेक्टर का ऑफिस वगैरह या कोई कंपनी का ऑफिस बहुत बड़े लेवल पर, इस तरह से, ठीक है। और ये नॉर्मली इधर देखोगे तो सिंपल यार पार्क है भाई, आप अपेक्षा नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। ये देखो कौन, और मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ कुछ इवेंट हो रहा है, ठीक है, अभी थोड़ी सी नॉइज़ आ रही है, वहाँ जाके देखते हैं। आ गया, सो लेट्स गो दिस साइड। भाई मुझे ना सच बोलूँ ना, मैंने ज़्यादा बड़ी तारीफदारी नहीं करता, ठीक है, सच अ ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग कंट्री, ठीक है। और इस पार्क में ट्रैवल करने के बाद ना मुझे जो खुशबू मिल रही है ना, जो रूम में मैंने ज़िंदगी बिता ली है एसीओ में,
जब यहाँ आके मैं यहाँ आया हूँ ना, मुझे जो वो मिठास, वो जो खुशबू रिलाइज हुई ना, मुझे अपना घर याद आ गया। क्योंकि मैं खुद यार एक गाँव से हूँ, पढ़ा वाला हूँ, तो मुझे पता है कि इन पेड़ पौधों की क्या वैल्यू है। ठीक है यार, ये कैसे बनाया यार, किस आदमी ने बनाया, मुझे समझ में नहीं आता। वल्लाह भी थोड़ी सी मैं एक अद्भुत नज़ारा और दिखाता हूँ आपको। साउंड सुन रहे हो? साउंड कल्चर लैंग्वेज का साउंड है। आप नज़ारा देखना। ओ यार, ओ माय गॉड, भाई मैं सोच रहा हूँ यहाँ बैठूँ और इन्जॉय करूँ। देखो ये यहाँ पे ना छोटे छोटे स्पीकर लग रहे हैं। तो यार मेरा मन कर रहा है यहाँ बैठ कर आराम से रिलैक्स करूँ। ठीक है, तब तक मैं रिलैक्स करता हूँ और आपके लिए कुछ बनाता हूँ मैं। और लोग पूछ रहे थे कि आर्टिफिशियल है। भाई आर्टिफिशियल नहीं है, देखो ये आर्टिफिशियल नहीं है, नॉर्मल है। ठीक, जाना है, मेरा टाइम हो गया और मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ दिखा दी है। मज़ा आया, मेरे एक दो फ्रेंड भी बने हैं जिप के। मोहम्मद, मैसेज फॉर यू, लव यू मैन, लव यू, व्हेन यू सी माय वीडियो मोहम्मद, लव यू, गल्फ्स एंड क्वैत। खुल चुका है, ब्यूटीफुल पार्क था। और साथ में एक चीज़ और बताऊँ, मस्त बात पता है क्या, यहाँ पे कोई भी फी नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आप आओ जब भी आपकी यहाँ पे फ्राइडे, यहाँ पे नेशनल फ्राइडे हॉलीडे होती है, हमारे इंडिया में संडे सैटरडे होती ना, यहाँ पर फ्राइडे होती है। और आप कंपनी में किसी गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो तो फ्राइडे स्कूल की होती है, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, संडे स्टार्टिंग लाइक अ मंडे भी। यहाँ पे आओ, फ्राइडे में आपकी छुट्टी है, जो भी कुवैत में आ रहे हैं या देख रहे हैं या इंडिया से कोई विजिट कर रहा है, प्लीज़ एक बार इस पार्क में जाओ। यहाँ के वॉर हिस्ट्रिकल वॉल पे लिखे हुए हैं और मैप बना हुआ है, मैप में वो दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे इन्होंने स्ट्रगल करके अपने आप को डेवलपमेंट किया है। बहुत ही जेन्युइन चीज़ है। साथ में एक मोमेंट वो था कि वहाँ पे जब आप अंदर जाओगे तो वहाँ की जो नेशनलिटी है, आप जब वहाँ पे म्यूज़ियम में आओगे, आपका स्वागत करेंगे और आपको बुक्स देंगे, बुक पढ़ोगे आप, थोड़ा सा देखना उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, अच्छे अच्छे पिक्चर हैं। और साथ में आपको एक कॉफ़ी देंगे जो कि यहाँ की, यहाँ मेड बाय कुवैत, वो खुद बनाते हैं। और उस कॉफ़ी को पीने के बाद ना आप कुछ अलग ही टेस्ट फील करोगे। टेस्ट मैं बयां ही नहीं कर सकता उन्होंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले उसके अंदर, बट पीने के बाद आप उसको फील करोगे कि यार ये कुछ नई चीज़ है। ठीक है, ये देख रहे हो सड़कें, ये हाईवे, नेशनल हाईवे, और इसके बगल में ये है, और ये साइड में ये पार्क है जिसमें हम गए थे म्यूज़ियम वगैरह। अब यहाँ से हम स्ट्रीट चल रहे हैं।